नमस्कार स्वागत खैर मकदम आप सभी का आज के इस सेशन में आज इस सत्र में हम कक्षा बारहवीं के छात्रों के लिए लेकर आए हैं उर्दू सब्जेक्ट का एक बहुत ही रोचक टॉपिक रोचक चैप्टर जो है जल जानसार अख्तर और इन पर चर्चा होगी हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं उनका परिचय उनका तारुफ़ करा दें आप सभी से हमारे साथ हैं प्रो, प्रोफेसर मोहम्मद फारूक अंसारी सर जो डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन एंड लैंग्वेज में एन में प्रोफेसर हैं सर आपको बहुत बहुत स्वागत है आदाब शुक्रिया और स्वागत है आप सभी का भी इस सत्र में लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और गज़लों में जानसार अख्तर के व्यक्तित्व के बारे में उनके अपनी रचनाओं के बारे में जानना है जो कि बहुत दिलचस्प व्यक्तित्व हैं और उन्होंने बहुत खूबसूरत रचनाएं बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही ऐसी रचनाएं की हैं जिनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा रही है आप भी जानते होंगे आगे बढ़ें उससे पहले एक जानकारी है कि आप डी पर ई विद्या चैनल्स पर आप हमारे सत्र देखते ही हैं साथ ही साथ हमें हमारा जो सत्र है इसे आप देख सकते हैं एन ऑफिशियल -E यूट्यूब पर लाइव और यहाँ पर आप चैट बॉक्स में अपने प्रश्न या अपनी प्रतिक्रिया इस टॉपिक के इर्द गिर्द आपके मन में कुछ है तो उसे आप लिख सकते हैं और आप हमें मोबाइल नंबर के थ्रू भी लिख सकते हैं जो है डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर ज़ीरो डबल फाइव नाइन और ईमेल के जरिए आप लिखना चाहते हैं कुछ तो ज़रूर लिखे ये ई एड्रेस है डी टी एच डॉट क्लास ट्वेल्व एट द रेट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन और आगे बढ़ते हैं और सर से आग्रह करूँगा कि ज़्यादा देर न करते हुए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं छात्र हैं उनको बताएं आज के टॉपिक के बारे में क्या वो सीखने वाले हैं और गज़ल इतनी ज़्यादा लोकप्रिय आसानी से क्यों हो जाती है सर दो सवाल हैं एक साथ आपने जोड़ दिए हैं सबसे पहले बात करें आज के मौजू के बारे में तो मौजू है एक गज़ल है जानिसार अख्तर की जानिसार अख्तर जो बहुत मशहूर शायर हैं जी और तरक्की पसंद शायर थे उनकी ये गज़ल है उसके हवाले से हम कुछ ग़ज़ल की खूबी के बारे में बात करना चाहेंगे कुछ जानसार अख्तर के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे कि उनकी शायरी की क्या खूबियाँ रही हैं किस तरह से वो दूसरे शायरों से उनकी शायरी को अलग करके हम देख सकते हैं तीसरी चीज़ ये कि गज़ल की जो ख़ूबियाँ हैं तशरी करने के साथ साथ वो भी हमें देखना होगी कि किस किस तरह से जो है इसमें बातों को शायर ने पेश किया है कौन कौन सी बातें हैं कौन से जज्बात हैं आ, तो सबसे पहली बात तो ये कि गज़ल की मक़बूलियत की जो बात आपने कही है कि सबसे ज़्यादा मकबूल क्यों होती है गज़ल उसकी कई वजह हैं कई वजह ये हैं कि गज़ल की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये नजम की तरह जो है वो मुसलसल नहीं होती है यानी इसका हर शेर जो है वो अपने मौजू के एतबार से अपने मजमून के लिहाज से अलग होता है और अपनी जगह पर मुकम्मल होता है यानी एक शेर के अंदर कोई एक मौजू कोई एक मजमून पूरा बयान कर दिया जाता है चाहे वह ज़िंदगी का फलसफा हो चाहे कोई आम बात हो या दिली कैफियत हो या जज्बात हो ये सब हम उसमें जो है एक एक शेर में आ, न, जो है बयान करते, करते है। हैं आ, एक शेर फलसफे का हो सकता है दूसरा इश्क का भी हो सकता है तीसरा इश्क़ इलाही भी हो सकता है चौथा शेर मुमकिन है जाहिद से छेड़छाड़ का भी हो सकता है मैं और हिंदी का भी जिक्र हो सकता है या व आश्की का कोई मामला यानी अलग अलग जो मौजूद हैं वो इसके अंदर आ, बयान किए जा सकते हैं पहली चीज़ दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर एजाज अख्तसार यानी बहुत ही कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा बयान करना यानी जो अल्फाज का इस्तेमाल है वो इस तरह से किया जाता है कि हम अलामत के तौर पे लफ्जों को इस्तेमाल करते हैं और उसके मानी अलग अलग निकलते हैं जब हम उनकी मानी पर गौर करते हैं तब मालूम होता है कि इसमें शायर ने इस अंदाज़ से बात को कहना चाहा है कई मरतबा तो ऐसे पहलू निकलते हैं कि एक ही शेर के कई कई माने कई कई मफहम जो है हासिल किए जाते हैं बहुत सारे ऐसे अशार हैं जो तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो इसकी ख़ूबी हैं तीसरी चीज़ साख्त की अगर बात करें यानी स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर इस भी इसका एक मनम है जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें एक मतला होता है यानी पहला शेर जो होता है वो मतला कहलाता है जिसमें दोनों मिसरे जो हैं वो काफिए रदीफ़ जो है दोनों की बराबर होती है यानी हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं दूसरी चीज़ इसमें जो बाकी के शेर होते हैं उसमें जो दूसरा मिसरा है उसमें रदीफ़ एक सी होगी नहीं रदीफ़ कभी नहीं बदली जाएगी काफ़िए बदले जाएंगे काफ़िए यानी वो अल्फाज जो हम आवाज़ होते हैं एक तरह से तो ये चीज़ें हर शेर में काफ़िया तो बदल सकता है लेकिन रदीफ नहीं बदली जाएगी रदीफ जो एक बार तय कर दी जाती है और काफ़िए के फ़ौर बाद वो रदीफ़ आती है तो ये रदीफ और काफ़िए की पाबंदी जो है वो इसकी साख्त को मुस्तकब करती है बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बहर है वज़न है ये तमाम चीज़ें भी इसके साथ जुड़ी हुई होती है तो इतनी सारी पाबंदियों के साथ किसी बात को किसी मसले को किसी मामले को हम जो है बयान करते हैं दो शेर के, दो मिस्रों में तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खूबी होती है इसीलिए हम आ, शेर को जो है बड़े दिलचस्पी के साथ सुनते हैं पसंद करते हैं गज़लों का भी मामला भी यही होता है कि उसके अंदर जो नगमगी है जो अल्फाज का इस्तेमाल है वो हमें अपनी तरफ जाब करती है अपनी तरफ आमदा करती है और हर दौर में गज़ल मकबूल रही है अगर शुरू से हम बात करें तो मौजू के के से मवाद के एतबार से अलफा और तराकीब के एतबार से आ, से भी साथ में तशवी और इस जो है उसके भी हवाले से जो है वो गजल में तब्दीलियाँ थोड़ी बहुत होती रही हैं इनके हवाले से लेकिन मकबूल ये हमेशा रही है ख्वाज मीर दर्द की बात करें मीर तकी की बात करें नासिक की गालिब की एक पूरा दौर है मोमिन से लेकर और हमारे ज़माने तक आ, जो शायर हैं वहाँ तक एक पूरा सिलसिला चला आ रहा है गज़ल आज भी उसी तरह आ, मकबूल है उसी तरह से पसंद की जाती है जी तो गज़ल के बारे में सर ने बहुत तफसील से बताने का प्रयास किया बताया कि गज़ल होती क्या है और गज़ल इतनी मकबूल क्यों होती है कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा एहसास या अपनी भावनाओं को कह देने की जो कला है वो गज़ल में है और अब आगे बढ़ेंगे और रदीफ़ और काफिए की बात की अपने आ, उसको डिटेल में आगे उदाहरण के तौर पर सर से मैं आग्रह करूंगा कि गजलों या शेरों के माध्यम से आपको जरूर समझाएं आ, लेकिन उससे पहले शायर के बारे में थोड़ा सा कुछ शायर की बात कर रहे हैं ये ग़ज़ल जो है जो जिस वक्त इस वक्त जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये जानसार अख्तर की ग़ज़ल है जानसार अख्तर की पैदाइश जो है 1914 में ग्वालियर में हुई थी हालांकि उनका जो आबाई वतन था यानी जो उनके घर के जो बुज़ुर्ग थे वो खैराबाद के रहने वाले थे उनका आबाई वतन ख़ैराबाद उत्तर प्रदेश में था लेकिन ग्वालियर में इनकी पैदाइश हुई थी स्कूल की तालीम भी वहीं पर हुई वालिद मुस्तर ख़ैराबादी चचा बसमल खैराबादी यानी ये तमाम एक सिलसिला है मशहूर शायर थे तो आपका उस घर से ताल्लुक़ था तो घर के तमाम लोग जो है शेर व अदब से दिलचस्पी रखते थे और अच्छा मकाम था शेर व अदब में आ, तो इब्तई तालीम वहीं ग्वालियर में हुई ता, तालीम अब स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद फिर अली तालीम के लिए फिर अलीगढ़ चले आए और अलीगढ़ से उन्होंने एम ए की तालीम हासिल की और उसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए कि वापस फिर ग्वालियर की तरफ लौटना पड़ा और ग्वालियर में जाकर विक्टोरिया कॉलेज में जो है उर्दू के लेक्चरर की हैसियत से उन्होंने अपने फ़रज़ जो है वहाँ पर अंजाम देने शुरू कर दिए लेकिन उन्नीस सौ अड़ता सैंतालीस का जो तकसीम का सानह पेश आया उसमें काफ़ी उथल पुथल हुई लिहाजा आप वहाँ से ग्वालियर से भोपाल चले और भोपाल में हमीदिया कॉलेज जो बहुत ही मशहूर कॉलेज है मशहूर ज़माना कॉलेज आज भी है आ तो हमीदिया कॉलेज में आप उर्दू के प्रोफेसर हुए और फिर वहाँ पर सदर शुभा की भी जिम्मेदारियाँ आपने निभाई लेकिन बहुत जल्दी यानी उन्नीस के आसपास जो है आप बम्बई चले गए क्योंकि वहाँ पर एक पूरा मजमा था शायरों का जो उस वक्त वहाँ पर जमा थे यानी इससे पहले ये चीज़ कर लें कि जानिसार अख्तर का शुरू से ही ताल्लुक़ रहा है तरक्की पसंद तहरीक से और तरक्की पसंद तहरीक के एक बहुत ही जोशीले कारकुन की हैसियत से जो है आप काम करते थे तो वो वाबस्तगी थी, थी वो इनके एक कलाम में भी हमें नज़र आती है फिर जब आप बॉम्बे चले गए बॉम्बे में वहाँ पर पहले इसमत चुपते ही के यहाँ पर ठहरे फिर उसके बाद सहरलुद्दानवी के साथ रहे फिर उस तरह से जो है वहाँ पर फिल्मों में गीत लिखने की हैसियत से जो है आपने बहुत सारी फिल्मों के नगमे लिखे और बहुत ही मकबूल हुए और उस वक्त जो दौर था वो ये था कि उसमें बहुत सारे शोरा जो थे वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे शायर लुधियानवी कैफ़ी आजमी अख्तरलीमान भी और भी बहुत सारे अदीब और शायर ये सब लोग वहाँ पर मौजूद थे जो किसी न किसी तरह से फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए थे इसमें चुगते हैं है। राजेंद्र सिंह बेदी है ये पूरा हलका था जो वहाँ पर मौजूद था तो आप भी उन्हीं के साथ वहाँ पर थे और उन्होंने जो है फिल्मों में गीत लिखे बहुत सारे फिल्मों के गाने लिखे हैं तकरीबन सौ से ज़्यादा फिल्मों के गाने हैं तो इस तरह से लेकिन उन गानों में भी जो सबसे बड़ी ख़ूबी है वो ये है कि उस दौर की जो फिल्में हैं और जो गाने हैं वो नगमों को आप सुनिए तो उसमें शेरियत ज़्यादा है यानी अदब का एक मकाम वहाँ पर मौजूद हमेशा रहा है चाहे कोई भी ऐदिल नादा तुझे नादा आरजू क्या है जस्तुजु क्या है आप उसको भी देखें तो इस तरह के जो नगमे हैं वो पूरी तरह से अदब के पहलू को सामने को रखते हैं तो इस तरह से तमाम जो शोरा थे शकील बदायूनी ये तमाम एक लंबी फहरिस्त है शोरा की जो उस वक्त वहाँ पर गीत लिख रहे थे तो निसार अख्तर और वहीं पर उन्नीस सौ छिहत्तर में आपका इंतकाल भी हुआ कई शेरी मजमू भी जो हैं वो आपके शाये हुए सलासल जो है वो है तारे ग्रेबाँ नजर बुता जावदाँ खा के दिल ये इनके शेरी मजमू हैं बाद में कुलयात भी शाये हुआ गज़लियात का भी एक मजमु सकूत गज़ल के नाम से जो है वो शाये हुआ तो इस तरह से जो है उन्होंने उन्नीस सौ छत् छिहत्तर में आपकी वफात हुई वहीं बम्बई में ही उनका इंतकाल हुआ तो ये उनकी मुख्तर सखाक है उनकी ज़िंदगी के हवाले से और एक चीज़ और इसमें इजाफा करता चलूँ जावेद अख्तर जानिसार अख्तर के साहबजादे थे तो वो उनके बेटे हैं तो जो बहुत मशहूर है इस वक्त फिल्म दुनिया में दुनिया में तो ये एक सिलसिला है जो ये उनका, उनका परिचय है जानिसार अख्तर का और जैसा कि सर ने बताया कि फिल्मों में जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो सौ से ज़्यादा गाने लिखे और साठ सत्तर अस्सी के दशक में जो उन्होंने गीत लिखे और उनके साथ जो दूसरे रचनाकार रहे गीतों के या गीतकार रहे वो भी बहुत ही लोकप्रिय रहे और ये सारे गीत जो जान अख्तर ने फिल्मों में लिखे हैं वो आज भी बहुत ही लोकप्रिय हैं और बहुत सुने जाते हैं जी और सर आगे बढ़ें सबसे पहला एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि शायरी पढ़ने पढ़ाने का मकसद क्या है अगर ये हम आ... ये ये सवाल पहले पूछना चाहिए जी शायरी हम क्यों पढ़ते क्यों पढ़ते हैं? हैं? क्यों हमारे निसाब में शामिल होता है शायरी हिस्सा देखिए शायरी का जहाँ तक मामला है शायरी के कई पहलू हैं जी आ, पहली चीज़ तो ये कि अगर सिर्फ गज़ल की बात करें तो गज़ल में कस्सा बयान नहीं होता है वाक्य या जो होता है वो बयान नहीं होता है बल्कि उस किस्से या उस वाक़े से जो असर होता है वो असर जो है वो पेश किया जाता है यानी वो ख़याल वो जज्बा जो उससे उभरता है वो उसमें जगह पाता है तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है शायरी की शायरी में पूरी शायरी, शायरी की अगर बात करें तो इसी तरह के पहलू जो हैं उसमें शामिल होते हैं तो एक जो इसकी एक सबसे अहम वजह और यही वजह है कि वो सबसे ज़्यादा मुसरत या लुफ़ानंदोजी जो है वो हमें शायरी के हवाले से ही हासिल होती है यानी बहुत सा लुफ़ हमें हास। कोई शेर सुनते हैं कोई नज़म भी अगर हम पढ़ते हैं या कोई नग़मा कोई गीत रुबाई आ, कोई भी सिंफ आप ले लीजिए जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें लुफ़ हासिल होता है एक सुरू हासिल होता है कि ख़ुशी जिसको आप कहेंगे कि वो हासिल होता है कि इसको पढ़ने के बाद हमें ये इसमें चीज़ मिली और ये हमें अच्छी लगी ये अंदाज़ अच्छा लगा ये पहलू हमें अच्छा लगा पहली चीज़ तो ये होती दूसरी चीज़ ये कि आप जब शेर को पढ़ते हैं तो हमारे हवास जो हैं वो मुतहरक हो जाते मुतरक मतलब हरकत में आ जाते हैं जो हमारे हवास हैं चाहे सोचने का चाहे सुनने का ये ये जो हवास हैं हमारे वो अपने आप एक्टिव हो जाते हैं तो वो मुतहरक होते हैं किस तरह से सोचने समझने की बात है गौर वफिक्र की बात है ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अपने आप में मुतहरक हो जाती है ये शायरी की एक सबसे बड़ी खूबी होती है दूसरी चीज ये कुवत एहसास जो है हमें जो एहसास है वो जो कौत है एहसास की वो हमारे अंदर बेदार होती है कुत एहसास से मुराद ये कि आ, हमारी अपनी शख्सियत क्या है या हमारे अपने अंदर वो चीज़ क्या है और ये तभी हो सकता है जब हम अपनी को जो ख्याल या जो जज्बा है उसके साथ आप रक्त कम से बिल्कुल उसके साथ आप अपने आप को जोड़ सकें जब हम जोड़ते हैं तो फिर हमारे अंदर एक नई कु्वत का है, जो है वो विजदान होता है फिर हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ हम भी इसके दौर के कर सकते थे तीसरी और एक और चीज़ है तख्लीकी सलाहियत जो ख़ास क्रिएटिविटी जिसको आप कहेंगे तो जो हर एक शख्स में क्रिएटिविटी होती है हर एक शख्स में तख्लीकी सलाहियत तो किसी ना किसी तरह से होती है यहाँ पर यह है क्रिएटिविटी की सलाहियत इसलिए ज़्यादा फ़र्ग पाती है कि हमें जो अल्फाज का इस्तेमाल है वो अलफाज को पेश करने का जो जज्बा है या जो तरीक़ा है वो हमारे सामने होता है तीसरी चीज़ हम किसी बात को किस अंदाज से कहते हैं वो जो अंदाज़ है वो जो नाजुकी जिसको आप कहेंगे वो जो नज़ाकत है वो यहाँ से हासिल होती है और वो वह तख्लीकीहित का ख़ास जौहर होता है यानी अपनी बात को कहने का सलीका किस तरह से किसी बात को हम कहते हैं अगर सीधे साधे अंदाज़ में कहेंगे तो एक अलग उसके मानी होंगे अगर हम उसको थोड़ा सा तब्दील कर कर बात को कहेंगे उसका असर दूसरा होगा और अगर उसको पेश करने का अंदाज़ हमारा अलग होगा तो वही बात हमारे अंदर अलग माने रखेगी मिसाल के तौर पर सिर्फ़ एक शेर है जब लगे ज़ख़्म तो कतिल को दुआ दी जाए बहुत सीधी सादी सी बात इसमें कही गई है ये इस, इसी इसी गज़ल जो जानिसार अख्तर की गज़ल है उसका पहला शेर है उसका मिसरा है ये जब लगे ज़ख़्म तो कातिल को दुआ दी जाए सिंपल सी बात कही गई है बहुत सीधी सी बात कही गई है कि जब ज़ख़म लगे तो हमें दुआ देनी है लेकिन कहने का अंदाज़ है इसके कई माने निकलते हैं जब हम गज़ल की बात करेंगे तो शायद इस पर ज़्यादा और तवज्जो देंगे तीसरी चीज़ ये कि हमें अदब की जो तहसीन और तफ़ीम है यानी अदब को जो एप्रिसशन है जो उसकी समझ है जो फहम है उसको वो हमें उसका शूर होता है यानी हमें अदब को कैसे पढ़ना चाहिए किस तरह से गज़ल को पढ़ना चाहिए और अगर हम गज़ल को पढ़ रहे हैं तो उस शायर के हवाले से पढ़ रहे हैं या उस शायर को जाने बग़ैर पढ़ें दोनों में फ़र्क है किसी भी ग़ज़ल के बारे में जब या किसी शेर के बारे में हम कहते हैं कि ये फिराक़ का शेर है या गालिब का शेर है या मीर का शेर है तो हमारे जहन में पूरा वो खाका आ जाता है जो उस शायर की जिंदगी से जुड़ा होता, जुड़ा होता है, होता है। क्योंकि उसकी अपनी एक शख्सियत है और वो शख्सियत हमें उस शेर को समझने में ए, उस तरह से आमादा करती है जिस तरह से शायर ने कहने की कोशिश की लेकिन अगर हमें ये नहीं मालूम कि ये शेर किस शायर का है या किस उसका है हम उसके अलग अंदाज से भी समझ सकते तो ये जो शुरू है तहसीन और तफीम का वो भी हमें हासिल होता है ये चंद एक पॉइंट्स हैं जो हम किसी भी अदब पारे को जब रखते हैं या किसी शेरी हिस्से को निसाब में शामिल करते हैं तो इन ही बातों को हासिल कराने की कोशिश की जाती है कि तलबा के अंदर ये सलाहियतें फ़र पाएँ या उन सलाहियतों की तरबियत हो सके और ये बार बार करने से होता है तो ये सबसे बड़ी ख़ूबी होती है इसीलिए शेरी हिस्से को हम पढ़ते पढ़ाते हैं अपने क्लासरूम में जी तो गज़लों को आप... क्यों पढ़ना चाहिए या गज़ल को पढ़ते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए गज़ल या शेर व शायरी को वो बातें सर ने कहीं और इस गज़ल को अब आप अगर पढ़ें जी बताएं तो आनंद आएगा लोगों को बिल्कुल जो गज़ल का मैं सिर्फ पहला शेर आपके सामने रख रहा हूँ पहला शेर है जब लगे ज़ख्म तो कतिल को दुआ दी जाए क्या बात है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए वाह वाह महावरा है रस्म उठाना जी एक महावरा इसमें है जो इस्तेमाल किया गया है अब सीधी सी बात ये कही गई है कि जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए यानी हमारी जो रिवायत रही है या हमारी जो रस्म रही है या हमारी तहज़ीब का जो एक हिस्सा रहा है वो यही रहा है कि कातिल को हम कभी भी बुरा भला नहीं कहते हम जब ज़ख्म लगता है तो हम कातिल को दुआ ही देते रहे हैं जी। ये एक रस्म है जी। ये एक रिवाज है अब यहाँ इस मिसरे के बाद दूसरा मिसरा पढ़ने से पहले आप इस पर ख्याल कीजिए कि ये रिवायत क्यों बयान की गई है ये रिवायत वो हिस्सा है जो हमारी क्लासिकी शायरी का एक बड़ा हिस्सा है क्लासिकी शायरी क्या है क्लासिकी शायरी में चंद एक बातें हैं जो बहुत अहम होती हैं जिनको समझना शायद यूँ भी ज़रूरी है कि हम जब बात करते हैं क्लासिकी शायरी और जदीद शायरी तो उसके दरमियान फ़र्क करने में थोड़ी सी दुशारी महसूस करते हैं तो क्लासिकी शायरी का सबसे जो बड़ा पहलू है वो ये है कि इसमें वो कदरें और शरियात होती हैं जो अदबी कदरें भी होती हैं और जमालियाती क़दरें भी यानी दोनों क़दरें इसमें शामिल होती हैं यानी जो शरियात है शेर की जो लफ्ज़ियात है शेर की जो पहलू हैं ये जो तमाम चीज़ें हैं और जो क़दर है वो क़दरें जो होती हैं वो दोनों तरह से होती हैं यानी जब तक शेर के अंदर रब्त नहीं होगा रवानी नहीं होगी या लफजी मुनासिबत नहीं होगी बंदिश नहीं होगी अल्फाज की तब तक शायद क्लासिकियत का जो पहलू है वो उस तरह से हासिल नहीं होता या नज़र नहीं आएगा जिस तरह से उसका तकाजा है ये तमाम चीज़ें उसमें होनी चाहिए रब्त से मुराद होती है शेर के दोनों मिसरे जो हैं वो तमाम जो लफ्ज़ियात हैं जो हैं ही नहीं बल्कि जो लफ्जियात हैं उसके वो तराकीब हैं मजामीन हैं तो ये जो तमाम चीज़ें हैं उसमें एक कस्म का रब्त होना चाहिए मिसाल के तौर पर आप कहें ज़ख़्म कातिल लाश ये तीन एक तरह से या आप कहें कफस है पिंजरा है बुलबुल बुल है सयाद है ये ये इसमें कहीं ना कहीं रब्त है तो ये जो लफ्जियात की हद तक है वो क्लासिकी शायरी का ख़ास हिस्सा हैं तो ये वो है। लेकिन जदी शायरी में ये थोड़ा सा अलग हटकर इन रिवायात से थोड़ा सा इनहराफ करने की बात की बातें वही हैं सब कुछ जज्बात वही है इंसान वही है दौर बदल गया है ज़रूरतें बदल गई तकाज़े बदल गए हैं तो लाजमी है कि इसका असर यहाँ पर भी हमें देखने को नज़र देखने को मिलता है तो ये तमाम चीज़ें हैं तो इसलिए यहाँ पर जो बात कही गई और जानसार अख्तर का जो ज़माना है वो ये है कि 1914 में आपकी पैदाइश हुई है 1914 से लेकर 1976 तक आपकी ज़िंदगी का दौर है जी यानी ये आपकी ज़िंदगी का आरसा है तो आ, 1936 में आप देखते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक जो है वो शुरू होती है तरक्की पसंद तहरीक से पहले भी आप देखते हैं कि जब तहरीक आज़ादी मुल्क की आज़ादी के लिए जो तहरीक चल रही है वो धीरे धीरे तेज़ होती चली जा रही है और इस दौर तक आते आते काफ़ी तेज़ी इसमें आ जाती है तो शायरों के यहाँ ये रुझान तो पहले से मौजूद है लेकिन 1936 के बाद इसमें तेज़ी आ जाती है और ये जो चीज़ें हैं इनकलाब की बात करते हैं हम इश्तराकियत की बात करते हैं समाज की बेहतरी की बात करते हैं मसावत की बात करते हैं तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम चीज़ों को लेकर के एहताज का एक मादा है वो पैदा होता है जो एहताज है यानी रिवायतों से एहत हो सकता है निज़ाम से एहत हो सकता है या उनके ख़िलाफ़ बात हो सकती है या जो ज़िंदगी की रफ्तार है उसके खिलाफ जो रविश अख्तियार करने की बात है ये वो पहलू हैं जो इसके ज़िद में आते हैं और बहुत तेज़ी से हमारे सामने आते हैं तफसील में ना जाते हैं। और ये तमाम शुरा के यहाँ नजर आता है जानिसार अख्तर हैं मजरुसल्तानपुरी हैं फैज़ हैं फिराक हैं और तमाम जितने एक लंबी फहरिस्त है तो इन तमाम के यहाँ मौजूद जानसार अख्तर की वाबस्तगी है वो पूरी तरह से तरक् पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे हैं तो लिहाजा लाजमी है कि उनके यहाँ Uh, जो शेरी uh... पहलू है वो इस तरह से है कि उनके यहाँ क्लासिकियत के साथ साथ जो है हकीकत निगारी का जो उनसर है वो उसमें पैवस्त नजर आता है यानी मिला जुला तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रोमानियत भी है क्लासिकियत भी है और हकीकत निगारी ये तीनों चीज़ें उनकी शायरी में मौजूद हैं यानी लफ्जियात की हद तक बात करें तो वहाँ पर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं रिवायात की बात करें तो वहाँ पर भी वो शेरी अकदार की बात करें तो वहाँ पर भी है लेकिन इन तमाम के बावजूद वो हकीकत निगारी से भी बहुत करीब नजर आते हैं इसलिए जब हम इस शेर को पढ़ते हैं जब लगे जख्म तो कातिल को दुआ दी जाए तो ये रिवायत का एक हिस्सा है यानी जब भी कभी हमें कोई जख्म लगता है या तकलीफ पहुंचती है तो हम कातिल को दुआ देते हैं या जुल्म करने वाले को या कत्ल करने वाले को हम दुआ देते, दे। देते हैं उसका बुरा नहीं सोचते बुरा नहीं चाहते अगला मिश्रा पढ़िए तो है यही रस्म तो ये रस्म उठा, उठा दी जाए क्या बात है यानी अगर ये रस्म है तो ये रस्म क्यों है अब बेमानी है इसलिए इस रस्म को खत्म कर देना चाहिए ये रस्म उठा देनी चाहिए यानी इसको बंद कर देना चाहिए हटा देना चाहिए रस्म उठाने से मुराद ये कि रस्म को खत्म करना या बंद करना उस रस्म को या उस रिवायत को तो पूरी बात इसमें एक कह दी गई है पूरा एक मैसेज बयान किया गया है कि जब जख्म लगे कातिल को दुआ दी जाए ये जो रिवायत है वो इस रिव, वो रिवायत अब ख़त्म हो जानी चाहिए या हमें ये रस्म जो है उठा देनी चाहिए ख़त्म कर देनी चाहिए ये इस तरह से इस ख्याल को बयान किया गया है दूसरी जो शेर है इसमें वो ये है दिल का वो हाल हुआ है गमे दौरा के तले दिल का वो हाल हुआ है गमे दौरा के तले जैसे एक लाश चट्टानों में दबा दी जाए यानी दिल का वो हाल हुआ है क्यों दिल का हाल हुआ है गम दौरा ज़माने के जो गम हैं जो तकलीफ़ें हैं जो बर्ताश मामलात हैं जो ज़िंदगी ने हमें हमारे साथ जुल्म किया है या हमारे साथ जो तकलीफ़ें हमें दी हैं उन तकलीफ़ों से हमारा जो दिल है उसका हाल क्या होगा यह आप सबूर कर सकते हैं एक शख्स जिसको मुसलसल गम तकलीफ़ें दी जाती रही हों उसका दिल किस तरह से होगा जाहिर है वो दिल पत्थर का हो चुका होगा या बहुत सख्त हो चुका होगा उसमें फिर एहसास या इस तरह के जो लतीफ़ जज्बात हैं उसकी गुंजाइश हदा दर्जे कम हो चुकी होंगी या बहुत हद तक ना भी हों यानी ये वो हाल है दिल का वो हाल है गमें दौरा के तले जैसे एक लाश चट्टानों में दबा दी जाए कोई लाश जो है जो दिल की हालत है वो उसको आप आ, लाश के साथ जोड़ कर देखने की कोशिश कीजिए यानी पूरी की पूरी जो शख्सियत जो पूरी बात जो पूरी जिंदगी है और जो उसकी कैफियत हो चुकी है उस जिंदगी की वो यही हो चुकी है कि वो पत्थर के पत्थर हो के गया या लाश की शक्ल यानी उसमें कोई हरकत नहीं है कोई अब वो इस तरह का नहीं है जिसमें कोई एहसास, एहसास कोई जज्बा बाकी रह गया वो लाश की मानिंद हो और लाश भी किस तरह की लाश भी ऐसी हो जो चटानों में दबा दी जाए और चटानों में दबा दी गई हो यानी गमों से इस कदर चूर हो चुका है कि अब उसमें कुछ भी हरकत करने की गुंजाइश बाकी नहीं, नहीं है और वो कैफियत इस तरह की हो चुकी है जिस तरह से कोई लाश चटानों में दबा दी गई हो एक चीज़ दूसरी चीज़ ये वो कहना ये चाहता है शायर आ, के दिल का वो हाल तो हो चुका है गम दौरा से कि ये जो आ, बिल्कुल बेहरकत साकित सा हो गया है लेकिन इन तमाम चीज़ों को अगर हम दफन कर दें या भूल करके आगे बढ़ें तो शायद हमारे लिए मुस्बत पहलू होगा यानी पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा होगा कि ये जो चीज़ें हैं इतनी हालत ख़राब होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी है कि हमें इसको चट्टानों में दबा करके आगे सोचने की जरूरत, जरूरत है, है। यानी ये जितना कुछ हो चुका है इसको लाश की तरह आप दफन कर दीजिए खत्म कर दीजिए भूल जाइए इन बातों को अब आगे क्यों बेहतर बनाने के लिए आपको कोशिश करना जैसे कहा है जैसे एक लाश चट्टानों में दबा दी जाए नाउमीदी की बात नहीं की गई है इसमें उम्मीद बाकी है कि लाश की तरह उसको चट्टानों में आप दबा दिया जाए या दबा दी गई हो और फिर उसके बाद आगे सोचने की बात कही गई हो ये इस शेर का मफहूम है तो बड़ी ख़ूबसूरती के साथ जो है शायर ने उस पहलू को जो है बयान किया है जिसमें उम्मीद बाकी है जिसमें जज्बा है हौसला है जिंदगी को जीने का एक नया अंदाज भी नया अंदाज। शामिल है ये तमाम चीजें अगला शेर है हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया हमने हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए क्या बात? ये एक तंज है टॉन्ट है उस पूरे दौर के ऊपर जो उस वक्त एक बना हुआ था वो दौर ये था कि हम जिस तरह से तरक्की पसंद तहरीक आगे बढ़ रही थी और ये था कि हम जो इस तरह की नज़रिया है वो हम पूरी तरह से हासिल कर लेंगे हमें ये होगा लेकिन उन्नीस के बाद जब सूरत हाल हमारी नज़र आती है तो हम वही कहते नजर आते हैं कि ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहन वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं तो ये ये वाली कैफियत जो है यानी जो कुछ भी हमने चाहा था वो हमें हासिल नहीं, नहीं हुआ।, हुआ है यानी हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया ये तो हमारा दावा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम तमाम तकलीफ़ें तमाम दुख जो है इंसानों के दूर कर देंगे और तमाम माशरा एक सा हो जाएगा सब कुछ एक सा हो जाएगा हालात हमें बिल्कुल नॉर्मल से नज़र आएंगे हमें जब आज़ादी हासिल होगी तो हम वही खुशहाल होंगे लेकिन आज़ादी जब हमें हासिल होती है तो उस वक्त जो फसादात का सिलसिला है जो मुल्क की तकसीम का दर्द है वो लेकर के सामने आता है यानी जिसका तसवुर हमने नहीं किया था वो चीज़ हमारे सामने, सामने है। आती है तो ये जो बात थी ये जो दावा था कि हमने सब कुछ मामला जो हैं वो बेहतर कर लिए हैं ये दावा गलत साबित हुआ है उसके लिए कह रहे हैं क्या बुरा है जो ये अफवा उड़ा दी जाए यानी अगर ये अफवाह के तौर पर अगर हम पेश कर दें कि हमने इंसानों का दुख दर्द जो है उसका हल ढूंढ लिया, लिया है ये अफवाह उड़ा दी जाए तो लोगों को कुछ तस्कीन होगी कुछ इससे खुश फहमी पैदा पैद होगी, होगी। तो ये जो खुशफहमी का अमल है उसको लेकर के एक तंज है शायर का उस पूरे माशरे के ऊपर जो कहा और ये आज के मानों में भी देखें तो भी शायद उतना ही बामानी लगता है किसी चीज़ को हम नहीं हासिल कर पाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये अफवाह के तौर पर सामने आती है अगला शेर है हमको गुजरी हुई सदियाँ तो ना पहचाने की हमको गुजरी हुई सदियाँ तो ना पहचानेंगी आने वाले किसी लम्हे को सदा दी जाए यानी गुजरी हुई सदियां हमने जो कुछ भी काम किए हैं जो कुछ भी हमने कारनामे अंजाम दिए हैं चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं या खराबियां हैं जिसमें खामियां रही हैं बहुत सारी तो वो जो सदियों में हमने जो काम किए हैं तो वो हमें शायद अब पहचानने से इनकार कर दें यानी उसमें हमारी शिनाख्त जो है वो कायम ना हो सके तो हमको गुजरी हुई सदियां तो ना पहचानेगी। यानी जो गुजरी हुई सदियां हैं उसमें हमने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं ऐसे कुछ आ, काम किए हैं जिस पर हमें शायद खुश होने की ज़रूरत नहीं है बल्कि हमें ऐसा लगता है कि वो सदियां अब हमें आ, हमारी पहचान नहीं कायम कर पाएंगी आने वाले किसी लम्हे को सदा दी जाए अब हमारे सामने रास्ता यही है कि हम जो लम्हा आने वाला है जो दौर हमारे सामने आने वाला है जो ज़माना आने वाला है उसकी तरफ मुखातिब हों उसको सदा दी जाए आने वाले किसी लम्हे को सदा दी जाए तो ए, कहने का मतलब ये है कि एक तरह का जो मुस्बत एटीट्यूड है पॉजिटिव एटीट्यूड, इस पूरे गज़ल में नज़र आता है इस शेर में भी वही नजरिया कायम है कि जो कुछ हो चुका है जो हो चुका है जो खराब बातें रही हैं उसको दरगुजर कीजिए आगे आने वाले जमाने की हमें बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए जी। अगला है इन्हीं गुल रंग दरीचों से सहार झांकेगी क्यों न खिलते हुए जख्मों को दुआ दी जाए क्या बात खिलते हुए जख्म यानी जख्म और वो भी खिले हुए हरे, हरे ताज़ा जो हरे हैं ताजा खिल रहे हैं यानी जो और ज्यादा गहरे हो रहे हैं जख्म उनको दुआ देने की आप देखिए पहले शेर में भी कातिल को दुआ देने की बात की गई यहाँ जख्मों को दुआ देने की बात की गई है इन्हीं गुलरंग दरीचों से दरीचों यानी खिड़कियों से जो दरीचे होते हैं खिड़कियाँ होती हैं अब दरीचे क्यों होते हैं दरीचे या खिड़कियां जो होती हैं वो एक तरह से पाबंदी की अलामत होती हैं पाबंदी चाहे वो रिवायत की पाबंदी हो चाहे बात करने की पाबंदी हो चाहे ये उनके लिए दरीचे कायम होते हैं अब ये शायरी में इस तरह की अलामतें बहुत इस्तेमाल चिलमन का इस्तेमाल किया गया है आपने जो शेर सुने होंगे जी ना चिलमन से लगे बैठे हैं सामने आते भी नहीं वगैरह वगैरह पर्दे की बात की गई है तो ये जो है ये अलामत है पाबंदी की यानी इतना आज़ादी या इतनी हमें आ, कह लीजिए कि ख़ुद इख्तियारी हासिल नहीं कि हम चीज़ों को अपने तौर से कह सकें देख सकें समझ सकें तो पाबंदी वहाँ पर लाजमी होती है तो ये जो अलामतें हैं जो अल्फाज़ हैं ये अलामतों को पेश कर अलामत के तौर पर पेश करते हैं पाबंदी को तो यहाँ पर भी यही दरीचा जो है वो पाबंदी की अलामत है शहर झाँकेगी शहर का यानी सुबह यानी जो रोशनी है वो रोशनी कहाँ से आएगी दरीचों से दरीचे से आएगी इसी खिड़कियों से आएगी रोशनदान हो सकता है जी कैद खाना है या जेल की कैद हो या कोई भी कैद होगी उसमें भी रोशनी तो रोशनदान से या दरीचे से ही आएगी तो इन्हीं दरीचों से जो है वो रोशनी आएगी या शहर झांकेगी कौन से दरीचे कुल रंग गुलाबी रंग के अब ये गुलाबी रंग के दरीचे क्यों होंगे जी गुलाबी क्यों क्यों लिखा है। गुलाबी रंग इसलिए हर गुलाबी जो रंग है लाल रंग जो गुलाबी जो है वो किसी ना किसी तरह से जुल्म के नतीजे की अलामत है जख्म होगा तो खून बहेगा खून बहेगा तो उसकी अलामत जी रंग तो गुलाबी वहाँ से तशी फूलों का रंग भी गुलाबी होता है इसी तरह से ये जो गुलाबी रंग है वो एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल गुलाबी रंग के दरीचे यानी हमारे इतने ज़ख़म हो चुके हैं इतने हमारे ज़ख़म बढ़, चुके, बढ़ चुके, हैं। चुके हैं या उनका रिसना इतना है कि ये दरीचे भी गुलाबी हो चुके हैं और इनका रंग भी जो है ना वो खून की तरह हो गया या गुलाबी हो चुका है इन्हीं से उम्मीद कर रहे हैं कि हम इन्हीं में से सहर भी आएगी यानी जख्मों की परवाह मत करो जख्मों की जो चीज़ें हैं जो असर है या जो उसकी कैफियत है या उसका दर्द, दर्द, है। दर्द है तकलीफ है उसकी फिक्र ना करो बल्कि ये उम्मीद कायम रखो कि इन्हीं से शहर झांकेगी झांकेगी या इसी से हमें सुबह मिलेगी या हमें कहीं ना कहीं रोशनी हासिल होगी क्यों ना खिलते हुए जख्मों को दुआ दी जाए तो जब इतनी सारी कैफियत है तो भाई ये जो खिलते हुए जख्म हैं ये जो जख्म है, गहरे जख्म होते चले जा रहे हैं इनको हमें बुरा भला या इनके बारे में मनफी अंदाज में सोचने की जरूरत नहीं है बल्कि इनको दुआ दी जाए यानी इनको बढ़ते रहने की आ, एक ब्लेसिंग ब्लेसिंग दी जानी चाहिए जी, जी। तो ये दी जाती रहे ताकि इन्हीं से सुबह नमोदार होगी इसी से हमें रोशनी हासिल होगी इसी से हमें नई जिंदगी का फलसफा हासिल होगा इन्हीं गुलरंग दरीचों से सहर झांकेगी क्यों न खिलते हुए जख्मों को दुआ दी जाए बहुत खूब आखिर का जो शेर है इसमें वो है हमसे पूछो कि गजल क्या है आपने जो बात कही ना गजल की मकबूलियत जी क्यों है जी जवाब इस शेर में मौजूद है हमसे पूछो कि गजल क्या है गजल का फन क्या चंद लफ्जों में कोई आग छिपा दी जाए क्या बात है यानी गजल क्या है गजल का फन क्या है बहुत सुंदर बहुत सुंदर ये जो गजल का फन है हमसे पूछो यानी हमने गजलें कही हैं हम जानते हैं गजल के बारे में कि गजल क्या होती है और बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे चंद लफ्ज़ों में कोई आग छिपा दी जाए आग बहुत बड़ी चीज़ है बिल्कुल, बिल्कुल। जो सब कुछ जलाकर ख़त्म कर सकती है जो सब कुछ मिटा सकती है सारे जो बने बनाए ताबूत हैं उनको नस्त नाबूद कर, कर सकती, सकती है।, है तो वो जो आग है वो चंद लफ्ज़ों में कुछ ही अल्फाज ही तो होते हैं जी शायरी का जो सबसे बड़ा फ़न है जो गज़ल का सबसे बड़ा फ़न है वो यही तो है इजाज़ अख्तसार कम से कम अल्फाज में बड़ी सी बड़ी बात कह देना और उसके लिए हमें अलामतों की ज़रूरत होती है उस तरह की लफ्जियात की ज़रूरत होती है जो मिसाल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं यानी जिनके मदद से हम पूरे मानी वमफूम का एक क़िला कायम करते हैं वो वो होते हैं अल्फाज जिनका इस्तेमाल गज़ल में किया जाता है एक चीज़ दूसरी चीज़ ये इस पर एक तंज भी है वो तंज ये है कि तरक्की पसंद तहरीक के जितने भी शोरा थे ज़्यादातर शोरा नज़म की तरफ रागब थे यानी नज़में कह रहे थे और ये तसवुर किया जा रहा था कि गज़लें जो हैं वो हमारी इन जो ज़रूरियात हैं यानी जो हम मैसेज या मकसद जो हम देना चाहते हैं लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं वो हासिल करने में नातमाम हैं बहुत सारे शारो ने कोशिश की कि, कि नज्में इसी चाहे वो फैज़ रहे हों चाहे कैफी हों या वो इन नज्मों के जरिए ही इन्होंने अपनी तमाम तर बातों को बयान किया और पूरा जो है तजाज क्योंकि नज्म में इतनी वसत होती है कि आप पूरे के पूरे मामला को तफसील के साथ वहाँ पर बता सकते हैं वो क्या है। और चूँकि तसलसल में बयान किया जाता है यानी एक शेर के बाद दूसरा शेर तीसरा शेर जुड़ा हुआ होता है वाक़ को बयान करने के लिए तो वो वहाँ पर होता है तो नज में ज़्यादा वसत होती है गुंजाइश होती है गज़ल में ये गुंजाइश नज़र नहीं आ रही थी चंद एक बातें तो हो सकती थी आप शेर को इशारतन बात कह लीजिए समझा दीजिए लेकिन वो नहीं हो पा रहा था तो उस पर जो है जो है, जो है बहुत कम शायर हुए मजरूसल्तानपुरी थे जिन्होंने ज़्यादातर गज़लें ही लिखी और गजल में ही कहा उन्होंने अच्छे जो है तरक् पसंद शायर थे तो वो थे और दो एक और नामों से हालांकि इन तमाम शोरा ने कहीं ना कहीं गज़लें भी कही हैं और ग़ज़लों की लफ्जात भी उनकी जो है वो बिल्कुल उसी क्लासिकी रवायत से ताल्लुक़ रखती है ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी एक तरह से गजल पर तवज्जो कम करने की कोशिश ये कहा जा रहा था कि ये अब हमारा साथ देर तक नहीं दे सकती है बल्कि नज्म का ही दौर शुरू हो चुका है उस वक्त जो है वो जवाब में उन लोगों के लिए ये शेर जानसार अख्तर का पेश है हुआ था कि हमसे पूछो कि ग़ज़ल क्या है ग़ज़ल का फ़न क्या चंद लफसों में कोई आग छिपा दी जाए यानी आप जो बात नज़्म में कहना चाहते हैं वो गज़ल में भी कही जा सकती है बशर्ते आपके पास उस फन पर अबूर होना चाहिए उस फन के ज़रिए आप अपनी बात को कह सकें तो ये है वो पूरी गज़ल जो आपके इस निशान और भी बहुत सारे अशार हैं लेकिन ये छः अशार जो हैं वो इस निसाब में शामिल हैं जिस पर बात की गई है कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इसमें दो तीन चीज़ें हमें नज़र आती हैं पहली चीज़ तो ये लफ्ज़ियात की बात करते हैं अल्फाज का जो इस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया है मुश्किल लफ्ज़ शायद ही कहीं है दरीचा आसान लफ्ज़ है खिड़की के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और आम फहम लफ्ज़ है दरीचों में दरीचों से झांकना ये, ये इस तरह के जुमले हैं गुल रंग है। एक लफ्ज आया है गुलाबी रंग के लिए और अफवाह उड़ाना हम जानते हैं शहर हम जानते हैं सुबह को कहते हैं शहर झांकेगी जब सुबह से पहले का जो वक्त होता है वो शहर होता है जिस वक्त हल्की हल्की रोशनी जिसे भोर भी कहते हैं। भोर जिसको आप कहते हैं बिल्कुल सही तो वो वो इस तरह के तो मुश्किल लफ्ज कहीं नहीं है पहली चीज़ दूसरी चीज आम फहम बात कहने का अंदाज़ है यानी बिल्कुल सीधा साधा अंदाज है कोई पेचीदगी नहीं है कोई मुश्किल नहीं है लेकिन उसके अंदर जो बयान किया है बातों को उसकी गहराई को देखने की ज़रूरत है यानी किस पस मंज़र में किस मामले को लेकर के उन्होंने वो बात पेश की है किस तरह से कही है वो ख़ास अहमियत रखती है तीसरी चीज़ ये कि इसमें जो काफ़िए हैं वो भी तवज्जो के लायक हैं कि तो जो काफ़ी इस्तेमाल किए गए हैं जैसे आप सामने रखें इस पूरी गज़ल को तो दुआ दी जाए उठा दी जाए दबा दी जाए उड़ा दी जाए सदा दी जाए दुआ दी जाए तो दी जाए जो है वो आपका हर जगह आ रहा है जी दी जाए उठा दी जाए दबा दी जाए उड़ा दी जाए सदा दी जाए दुआ दी जाए और छिपा दी जाए दी जाए इसकी रदीफ है जी जो कहीं नहीं बदलती है गज़ल की जो अगर आप साख्त की बात करते हैं तो ये बदलेगी नहीं एक सी ही रहेगी लफ्जात वहाँ पे वही अल्फाज इस्तेमाल लेकिन इससे पहले का जो लफ्ज़ होगा वो देखिए उठा दबा उड़ा सदा दुआ छिपा ये जो अल्फाज़ है ये काफ़ी है कि हम आवाज़ अल्फाज हैं इनकी आवाज़ एक सी है मानी अलग है हाँ लफ्ज़ अलग है मानी अलग है लेकिन आवाज़ के तौर पर आप देखें तो इसमें वो चीज़ वहाँ पर मौजूद है अब पहला मशरा तो पहला शेर जो है वो मतले का है यानी जिसके दोनों मिसरे में दुआ दी जाए आ रहा है दूसरे मिसरे में उठा दी जाए आ रहा है जब लगे ज़ख़्म तो कतिल को दुआ दी जाए है यही रस्म तो ये रस्म उठा दे उठा दे दी जाए तो ये जो दुआ दी जाए उठा दी जाए ये दोनों मिसरों में बाकी के अशार में आखिरी हिस्से में जो है वो काफ़ी और अदीव का इस्तेमाल हुआ है तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस गज़ल की खूबी हैं जानसार अख्तर के इस शेरी और, कलाम में जी और सबसे आखिर में जो उन्होंने कहा जो आपने कहा कि गज़ल क्या है हमसे पूछे कोई चंद लफ्ज़ों में आग छुपा कोई दे आग छिपा छिपा दी जाए तो ये अपने आप में पूरी रचना जो पूरी गज़ल है उसको बयां करती है ये चंद पंक्तियाँ चंद ने और बहुत ही खूबसूरत गजल है सर ने दो तीन बातें शुरुआत से कही थी कि जो गज़ल है उसके शेर एक एक शेर अपने आप में पूरी बात कहते हैं पूरे उनके मायने होते हैं और वो चीज़ें इसमें देखने को हमें मिली हैं और बहुत सरल भाषा बहुत आसान भाषा का इस्तेमाल किया है आसान शब्द लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है जो आपको मुझे और किसी को भी समझ में आती है जो गज़लकार नहीं है जो गज़ल या शेर व शायरी से बहुत जुड़ा हुआ नहीं है उसके लिए भी बहुत आसान है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके थॉट क्या है आपकी आइडियोलॉजी जो है उसको गज़लों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और वही बात इस गज़ल की आखिरी लाइनों में आखिरी शेर में है सर इस ग़ज़ल को पढ़ते पढ़ते या पढ़ाते समय कौन कौन सी बातों पर विशेष गौर करना चाहिए स्टूडेंट्स को या टीचर्स को देखिए एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि गज़ल को पढ़ने का अंदाज़ ज़रूरी नहीं है कि आप तरन्नुम के साथ पढ़ें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है बल्कि जो लफ्ज़ जिस तरह से उनकी अदायगी है वो सही होनी चाहिए पहली शर्त तो यही होती है अगर आप शेर को सही तरीके से सही अंदाज़ से पढ़ लेते हैं तो आप उसमें कामयाब होते हैं उसको समझने में फिर आपको लुत्फ भी आता है तो पहली सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि गज़ल हज़ार बार क्लास में पढ़ा चुके हों लेकिन फिर भी क्लास में जाने से पहले एक बार ज़रूर उस पर निगाह डाल लेनी चाहिए एक बार उसको दोहरा लेना ज़रूरी होता है जी पहली चीज़ तो यही है पढ़ने पढ़ाने के दौरान जो हम बात करते हैं यानी मिसाल के तौर पर आप इसी गज़ल के पहले शेर पर ही तो या दूसरे शेर पर जो भी आप बेहतर समझे देखें जब लगे ज़ख़्म तो कातिल को दुआ दी जाए कहाँ जोर देना है कहाँ पर ज़्यादा वज़न आएगा वो थोड़ा सा आपके लब लहजे से ज़ाहिर होगा कातिल को दुआ दी जाए है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए यानी थोड़ा सा जोर देने की बात है तो ये अंदाज़ है दिल का वो हाल हुआ है गमें दौरा के तले जैसे एक लाश चट्टानों में दबा दी जाए तो अब अगर आपको इस ड्रामाई अंदाज कुछ इख्तियार कर सकते हैं तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा ज़्यादा हो तरीके से आप कह सकते हैं हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए अफवाह उड़ा दी जाए तो इस तरह से पहली चीज़ यही है कि हम गज़ल को आ, शेर को सही तरीके से पढ़ लें उसकी अदायगी सही करें तो मफहम अपने आप में वाज हो जाएंगे दूसरी चीज़ ये कि हमें शेर के मफहम तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए यानी जो ज़ाहरी माने और बातनी माने दोनों को समझने की ज़रूरत होती है जिसको आप कहते हैं ख़ारजी शक्ल और दाखिली शक्ल दोनों अंदाज इसमें मौजूद होते हैं वो समझने की ज़रूरत होती है जैसे ये जो पूरी गज़ल है जानिसार अख्तर की जो हमारे सामने है, और भी आप किसी भी ग़ज़ल की बात करें या शेर की बात करें पूरी शायरी में तो उनके यहाँ पर ज़िंदगी की हकीक़तों से मुकाबला करने का सबक़ है दर्स है मौजूद होता है बल्कि ये नहीं है कि वो जिंदगी की जो तलखियाँ हैं या जो उनकी परेशानियाँ उनसे फ़रार होने की बात की जाए ये कभी नहीं है ना ही वो मौत की तमन्ना करते हैं ये इस ग़ज़ल की भी खूबी है और उनकी पूरी शायरी को भी आप उठा कर देखें तो आ, कहीं भी आपको मौत की तमन्ना की बात नहीं नज़र आती है बल्कि जिंदगी की हकीक़तों से मुकाबला करने का हमें जज्बा पैदा होता है इस शेर में भी वही चीज़ मौजूद है न सिर्फ ये बल्कि उनके और अशार पर भी हमें तवज्जो करनी चाहिए या पढ़ना चाहिए कि इस तरह के और कौन कौन से अशार मुमकिन हैं जो हमें मिल सकें जैसे एक शेर है उनका अपने तारीख मकानों से तो बाहर झांको अपने तारीख़ तारीख माने अंधेरे अपने तारीख मकानों से तो बाहर झांको जिंदगी शमा लिए दर पे खड़ी है यारो यानी एक मैसेज है इसमें कि जो तारिक मकान अंधेरे हैं अंधेरे मकान हैं उनसे तो बाहर निकलो उनसे तो बाहर आकर देखो तुम्हें बाहर जिंदगी खड़ी हुई मिलेगी यानी शमा लिए हुए दरवाजे पर खड़ी है इस तरह से है या समंदर को यकीन आएगा किस दिन समंदर को यकीन आएगा किस दिन के कि साहिल से भी उठ सकते हैं तूफान समुदर को ये कब यकीन आएगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि भाई साहिल जो किनारे हैं जिसको वो हमेशा उसकी मौजें जो हैं बार-बार सर टकराती हैं या जिसको अपना गुस्सा एक तरह से साहिल को दिखाती रहती है।, है उस साहिल से भी तूफान उठ सकता है जो चोट खाया पड़ा है बिल्कुल तो इसलिए कहने का मतलब कि समंदर को किस दिन यकीन आएगा तो समंदर को यकीन आएगा किस दिन के साहिल से भी उठ सकते हैं तूफ़ान इस तरह के और भी हैं और तो मुझको मिला क्या मेरी मेहनत का सिला चंद सिक्के हैं मेरे हाथ में छालों की तरह तो ये हकीकत है जो बयान की है इसमें तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर हमें शायरी का मताला करना चाहिए गज़ल को पढ़ना चाहिए ये तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के हम आखिर में सर कुछ एक प्रश्न और कि इस गजल में जख्म कातिल लाश गम जैसे शब्दों का इस्तेमाल उपयोग किया गया जी, है जी, जी. ऐसा क्यों आ देखिए जब आ, जुल्म की बात हो रही होगी जुल्म से जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की बात हो रही होगी तो इस तरह की लफ्ज़ियात हमें नज़र आएंगी ही आएंगी भाई जब जुल्म होगा तो कातिल होगा कातिल होगा तो लाश होगी कत्ल भी होगा ज़ख्म होगा जुल्म करेगा ज़ख्म भी देगा तो गम भी देगा ये तमाम जो लफ्ज़ात हैं इनकी आपस में एक मुनासिबत होती है एक रब्त इनके दरमियान कायम होता तो है तो ये जो लफ्ज़ियात हैं वो अलामत के तौर पर इस्तेमाल होती हैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि ये इन लफ्जों को अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो ये जो लफ्ज़ हैं बार बार जो इनकी शायरी में यहाँ पर भी जो आए हैं वो उसी हवाले से बात आए जो ज़माना है और जो ज़माने के ल्म हैं जो हुक्मरान उस वक्त के हैं वो किस तरह से जुल्म और उसके ख़िलाफ़ जो बगावत हो रही है जो तहरीक चल रही है आज़ादी को हासिल करने के लिए दोनों के दरमियान जो कैफियत है उसको बयान करने के लिए ये सूरत हाल बयान हो बयान रही है।, है या इस तरह के लफ्जियात इस्तेमाल की गई हैं बहुत खूबसूरत और बहुत ख़ूबसूरती से इस गज़ल को सर ने पढ़ाया उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये गज़ल और इस गज़ल में कही गई बातें इस गज़ल की आइडियोलॉजी आपको समझ में आई होगी और सर सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरुआत में ही कही थी कि अगर कोई भी गज़ल आपको पढ़नी है शेर पढ़ना है तो जब तक आप उस शख्सियत को नहीं जानेंगे जिसने उसे लिखा है तब तक उसको आप उतने अच्छे ढंग से नहीं बयां कर पाएंगे उसकी बातों को उसके अल्फाजों को उतने अच्छे ढंग से नहीं बयां कर पाएंगे सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी, बहुत ही कम वक्त में शुरू में मैंने कहा था कि दो ज, न, बातें होती हैं एक ये कि हम किसी शायर के बारे में जान कर के उसके कलाम को पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ने का अंदाज़ अलग, अलग होता है, है। लेकिन बाजात हम नहीं जानते तो पढ़ने का अंदाज़ अलग होता है ये दोनों पहलू हैं तो ये जो आखिर में आप बात कह रहे हैं जिस पर जोर मुझे देना पड़ा था कि हमें शख्सियत को भी जानना चाहिए ये आ, एक इजाफी हैसियत है आखिरी नहीं इजाफ़ी हैसियत है कि ऐसा हो सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन असल जो है वो है हमें उस आ, कलाम के अंदर जो मानी जो छिपे हुए हैं उनको तलाश करना जब तक हम वो नहीं तलाश कर लेते हम लुत्फ़ हासिल नहीं कर पाते जी जी बहुत खूबसूरत शुक्रिया सर आपका आपने समय दिया और बहुत तफसील से जो इस गज़ल को इस गज़ल के एक एक शेर को पढ़ा और पढ़ने में बड़ा आनंद आ रहा था और सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा था आपको बहुत शुक्रिया और शुक्रिया हमारे सभी व्यूअर्स का लर्नर्स का जो हमारे साथ जुड़ते हैं ई विद्या पर इन सभी एजुकेशनल और अवेयरनेस के प्रोग्राम्स और सेशंस के बारे में वो लगातार हमारे साथ संपर्क में रहते हैं और चलते चलते आपको एक ज़रूरी सूचना देते हैं नए एजुकेशन सेशन के लिए एकेडमिक सेशन के लिए अगर आपने पाठ्य पुस्तकें नहीं प्राप्त की हैं या आप तक नहीं पहुंच सकी हैं तो आप प्राप्त करने के लिए आपके पास कई सारे विकल्प मौजूद हैं आप अगर सेल्स काउंटर से लेना चाहते हैं तो सेल्स काउंटर्स अवेलेबल हैं एन के डेली न्यू डेली अहमदाबाद बेंगलुरु कोलकाता और गुवाहाटी में जो सुबह साढ़े बजे से शाम छः बजे के बीच में सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध रहते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट एन एन के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे अपनी कक्षा और अपनी सब्जेक्ट की आ, पुस्तक को ऑर्डर करिए और घर पर आप डिलीवर डिलीवरी हो जाएगी उस पुस्तक की इसके अलावा पी वर्जन अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस पर जो है एन सी ई ई पाठशाला और दीक्षा और लगातार हम आपको ये जानकारियाँ दे रहे हैं ताकि आप पीछे न रह पाएँ आप सिलेबस से बिल्कुल भी तालमेल आपका बना रहे और एग्ज़ाम के समय आपको किसी भी तरह की कठिनाई ना हो और आप अव्वल नंबर से और अच्छे नंबरों से आप पास हों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इसी तरह से बने रहेगा धन्यवाद